सो हिप्स गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आपका निकू और आप देख रहे हैं निकू व्लॉग्स। गाइस अपने भाई सीन हो गया, इन्होंने भाई यहाँ पे रुके हुए थे इस रिजॉर्ट में, ढूंढने गए थे भाई टाइगर। कल तो दिख गया था, ट्रैकिंग पे कैंपिंग करने का प्लान था गाइस, पर सीन हो गया भाई, बहुत सारे जंगली सुअर आए और गाइस अजय पे अटैक कर दिया भाई। पट्टी बनवानी पड़ेगी गाइस। रात को जब सो भी रहे थे ना, तब भी कमरे के बाहर टाइगर आया था। ये देख लो गाइस, कितना गहरा आ रखे हम जंगल के अंदर। पिछली वीडियो की क्लिप डिलीट कर दी टाइगर वाली, मैंने थंबनेल चेंज कर दिया गाइस वीडियो का। बहुत सारी कंप्लेंट्स होगी भाई हमारे ऊपर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को टैग कर रहे हैं भाई, एनजीओ वगैरह कमेंट कर रहे थे अरेस्ट करो, ये करो, वो करो, कह रहे टाइगर की वीडियो शूट करनी अलाउड नहीं है। बहुत गहरे में रास्ते में आए हुए हैं, ये देख लो गाइस, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, 1-2 किलोमीटर तक। लोगों को ये लग रहा है हमने ना टाइगर को परेशान किया है, रात को भाई घर के लिए निकल रहे हैं। पक्की बात है ये गाड़ी कौन सी आ गई? पुलिस वालों को तो नहीं है ना, 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 ना। ये एरिया पार करना भाई, पर हमने गलत नहीं किया कुछ भी, अर्जेंटली घर पे निकल रहे हैं। पूरी रात भर गाड़ी चलाई भाई, घर आ गए भाई फाइनली। ओ भाई साहब ये देख लो गाइस, रिया सो रही है मेरे रूम में। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और ये देख लो गाइस जो देख रहा है। गाइस फाइनली मैं तो भाई सो के उठ गया हूँ। गाइस रात को बहुत अच्छी नींद आई। गाइस हमने भाई बहुत मुश्किलों से वहाँ से निकल के आया भाई, रात को बहुत बुरा सीन हो गया था, हमारे ऊपर लीगल एक्शंस होने वाले थे बहुत सारे। पुलिस वाले पकड़ लेते अगर भाग के नहीं आते तो। सोए भी नहीं है भाई। स्टॉप इमीडिएटली राजेश बेदी जी कुडंट बियर फॉर मन मोर, मतलब ये जो वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के अंदर होता है। गाइस उन्होंने पूरी वीडियो देखी भी नहीं, उनको लग रहा है कि भाई हमने सच में कोई बकरी रखी थी वहाँ पे और हम बकरी को चारा बना रहे थे। फंसी जाते वहाँ। वैसे गाइस हमारा प्लान भी था कल का, रात भर कैंपिंग करेंगे जिम कॉर्बेट में टाइगरों के बीच में, वो भी नहीं हो पाई, रात में घर पे वापस आ गए। बाकी गाइस अजय को गाइस वाइल्ड बोर ने जंगली सुअर ने पाड़ लिया था भाई, ये देखो गाइस क्या हाल कर दिया, कि पैर में चोट लगी भाई, बहुत गंदे वाली चोट लगी इसको। इसको भी कल लेके आना पड़ेगा भाई जल्दबाजी में, जंगली सुअर ने पाड़ा है, कुत्ते ने पाड़ा है, पता नहीं चल रहा। गाइस मम्मी भी आ गए मामा के से, सबने हमारी वीडियो टैग कर दी थी। ऐसा क्यों? रात रात भर में हमने गाड़ी भगा ली। लोग ना देखते नहीं कि भाई क्या है, उनको जो दिखता है ना भाई छोटा सा सीन वही कंप्लेन कर देते हैं। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं। वीडियो में गाइस हमने बकरी की आवाज चलाई थी, उन्होंने स्पीकर वाला पार्ट देखा भी नहीं भाई बिल्कुल भी, उनको लग रहा है हमने सच में बकरी रख दी और टाइगर को बुला रहे बकरी रख के। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार, दिक्कत नहीं थी, हम रुक सकते थे वहाँ पे, कंप्लेंट्स हो रखी है ना भाई, पहले पुलिस वाले आते फिर हमें लेके जाते, फिर 1-2 हफ्ता खराब होता हम अपना जवाब देते, इस चीज भाई 2 हफ्ते खराब हो जाते हमारे, तो इसलिए गाइस हम जल्दी एक ही रात में वापस आ गए। बाकी अभी ना गाइस अजय को डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं इंजेक्शन लगवाने, इसको जंगली सुअर ने पाड़ दिया। दर्द हो रहा बहुत तगड़ा, लाइक करंट सा लग रहा है। और ये देख लो गाइस बहुत पहले से मैंने सोच रखी थी कि गाइस मैंने भाई थार लूंगा जो 5 डोर वाली आएगी, पूरी लंबी वाली माफिया लुक वाली, वो वाली गाड़ी लूंगा, पहले से ही सोच रखी है। तो अभी ना गाइस सीधा महिंद्रा जा रहे हैं पता करने कब आएगी कार। फाइनली गाइस महिंद्रा के शोरूम में आ गए भाई, ये कह रहे हैं साल के एंड तक आएगी भाई, पहाड़ों पे मजा आएगा। अजय जिद कर रहा है भाई चला के देखूंगा भाई, मैं तो चला के दूंगा। 5 डोर वाली लेंगे भाई, 5 डोर वाली लेंगे ना भाई, वो इस साल के एंड तक आ जाएगी। मेरे को तो यही पसंद है ब्लैक कलर, मैं तो यही लूंगा, यही चाबी आ गई। ये देख लो भाई चाबी मंगा ली, अजय ने कह रहा चला के देखूंगा भाई साहब, गाड़ी खोलनी भी नहीं आ रही, कुछ दिन रुक जा। नहीं नहीं जब आएगी ना जब तक ले लेंगे वाली। जिद कर रहा है कह रहे ये वाली गाड़ी लो, और नहीं आई तो फिर इससे भी जाएंगे उससे भी जाएंगे, इससे बड़ी यही ले लो। अच्छा ये 4x4 है टॉप मॉडल। ना ना घर चलते हैं, घर चल के डिसाइड करते हैं। नहीं नहीं अरे जहीं पे कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, घर चल के सोचते हैं। अरे जहीं पे बैठ जाए, अगर ऐसा मेहनत करना भी ऐसा कहता यहाँ पर लेके आया तो लेके नहीं जाएंगे। पूछने आए थे कह रहे टेस्ट ड्राइव ले लो, अब ये कह रहे गाड़ी ले लो। कैसी लग रही था? मजे आ रहे हैं। एक काम करते घर पे चल के सोचते हैं भाई। ना ना भैया कमाल ही हो गया, कह रहा थार लेके चलो भाई, बढ़िया मजे आ रहे हैं इसमें चलाने में। गाइस इसको ना भाई रैंप पे चढ़ा देंगे गाड़ी को, ऐसे रैंप से ऊपर चढ़ा देंगे इस गाड़ी को। अब जाएंगे नहीं भी लेके चलेंगे अब इसको भाई, चला तो ली अब क्या करें। ना ना लेके चलेंगे सीधी, ये क्या मजाक है, चल घर पे चलते हैं लेके चलो ना भैया, बुक हो ही गई भाई गाड़ी है, टॉफी थोड़ी है। ऐसे कर रहे हैं जैसे टॉफी की दुकान पे आया, ऐसा कर रहा है टॉफी पसंद आ गई टॉफी लेके चलो, समझा रहा है 20 रुपए की चीज थोड़ी ना, लाखों रुपए की। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई। ये देख लो गाइस जबरदस्ती गाड़ी कैसे ली है भाई, पहली बार आज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। ओ चूना लगा दिया गाइस, मेरे को भाई समझ में नहीं आ रहा जिन्हें क्या करवा दिया, गाड़ी की पूछने आया था 5 डोर कब आएगी, गाड़ी बुक करवा दी भाई साहब। अब गाइस मम्मी का भी सपना था भाई थार लेने का, मम्मी को बताऊंगा ना भाई, मम्मी शौक हो जाएगी ये क्या हो गया। जाके ना गाइस मम्मी को गुड न्यूज देते सीधा। बाकी गाइस फिलहाल मैं आ गया घर पे, एक गुड न्यूज है बढ़िया वाली। क्या क्या बता क्या हो सकती है? आप आपके घूमने लेके जा रहा होगा और क्या। अच्छा आपकी फेवरेट कार कौन सी है? अच्छा 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 समझ
आज हमने थार बुक करवा दी फाइनली। गाइस मम्मी गुस्सा कर रही है भाई। पसंद है ना आपको तो खुश आपको पसंद है इसलिए बुक करवा के आए हैं। तो अभी थोड़ी अब तो बुक हो गई। अब तो बुक हो गई। चार दिन बाद मिल भी जाएगी। चार दिन बाद हो रहा है। हां चार दिन बाद मिल जाएगी। ये तो यकीन नहीं हो रहा। चार दिन बाद थार आ गया पर मजाक नहीं कर रहा हूँ। सच्ची बात है ये। अभी वहाँ पे व्हाइट करवा दी थी, अभी मैंने चेंज करवा के ब्लैक करवा दी। महंगे कितने हैं? खर्चा आ रहा ना अभी। चार दिन बाद ही सही में। ए बकवास कर रहा है ये। और चार दिन बाद नहीं आई फिर? आ जाएगी चार दिन बाद थार आ जाएगी। अरे मजाक कर रहा है, नहीं जा रही। कैंसिल करवा दो। कैंसिल करवा दो। सही में आ रही है क्या? हाँ सही में आ रही है। तेरे को यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं हो। सही किया गलत किया? पर बहुत ज्यादा जल्दी है ना। अभी तो स्कॉर्पियो ली थी। अभी क्या एक साल हो गया पूरा स्कॉर्पियो। तो एक साल भैया ज्यादा होता है क्या गाड़ी के लिए? गाइस कान को खुजा रहा है भाई, इसको ना यकीन नहीं हो रहा भाई बातों पे। बाकी गाइस मम्मी खाना ले आई है। आज खाने में गाइस पनीर की भुजी और रोटी। क्या हुआ? अरे आज हो गाइस प्रैंक करेगी कुछ। हैप्पी 3 मिलियन। मम्मी और रिया ने केक मंगवा के रखा है। जब हमने सेलिब्रेट किया था ना गाइस, मम्मी और रिया नहीं थे, मामा के गए हुए थे। डबल सेलिब्रेशन हो गया। पापा जी भी आ गए। एक गुड न्यूज है आज। क्या? अच्छी आप बहुत भाई बहुत अच्छी। कुछ नहीं कह सकता फिर भी। बताओ बताओ बताओ, सोचो क्या हो सकता है। तेरी शादी की तो नहीं है कोई? नहीं नहीं शादी की नहीं है। पापा जी शादी की बात कर रहे हैं भाई। कोई नई चीज ले ले क्या? पसंद गाड़ी गुड्डी होती है और गाड़ी गुड्डी थार थार बुक करवा दी हमने। बार बार थार थार करता था ना। 4x4 या 4x4 ब्लैक कलर की थार। हाँ ठीक है। चार दिन बाद ही आ रही है। चार दिन बाद ही आ रही है। कंग्रेचुलेशन। तेरी मम्मी की पसंद। गाइस दूसरी बार सेलिब्रेशन कर रहे हैं 3 मिलियन का। थार भी ले लेंगे। मम्मी को बहुत पसंद थी थार पहले से ही। गाइस पहले ना भाई घर में बहस चलती थी। पापा कहते थे भाई बड़ी गाड़ी लेनी है और मम्मी कहती थी थार लेनी है। पापा ने कही थी भाई थार को हर जगह यूज नहीं कर सकते, फैमिली में यूज नहीं कर सकते, तो बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। तो गाइस हमने तब जाके बड़ी गाड़ी ली थी और अब देख लो गाइस थार भी आ गई, बड़ी गाड़ी भी आ गई, दोनों आ गई। गाइस कल रिया को वीडियो डालने, कल संडे है ना, भूत वाला चैलेंज किया था और थर्मामीटर गाइस बेड पे रखा था भाई। बेड पे रखते ही थर्मामीटर बोलने लग गया बी 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 बी। सही में बहुत ज्यादा डर गई थी मैं। जादू टोटका कर रही थी। पागल है क्या? गलत बात है भाई तुम्हारी। भूत को ना कैच करने के तरीके ढूंढ रही थी। पिछली बार भी इन्होंने ब्लैक मैजिक किया था मेरे रूम में, तब से भाई दिक्कत हो रही है भाई रूम में। कभी रात को सपने में कुछ दिख रहा है, कभी सुबह दिख रहा है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही है रूम में। गूगल पे भी देखी है। ये सच में होता है? सही में देखा था मैंने। गूगल पे लिखा था कि थर्मामीटर से भूत का पता चल जाता है। अरे ऐसे क्यों बोल रहा है? स्क्रिप्टेड तो नहीं है ना? स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं पता स्टेयर्स के वहां पे बोल रहा था, यहाँ पे बोल रहा था। भाई साहब गाइस इसका मतलब हमारे रूम में भूत है सच में। कह रहे गूगल पे लिखा था। गाइस गाइस फिर से चेक करते हैं भाई थर्मामीटर को। ये देख लो गाइस थर्मामीटर है ये, और देखते हैं गाइस बेड पे रख के। गाइस मेरे को पहली बार पता चला कि भाई थर्मामीटर से भूतों का पता चल जाता है। बिना खामे बोल रहा है। ये बोल रहा है बिना खामे। आवाज आ रही है इसके अंदर से बीप बीप की। बंद हो गया। नमक और विनेगर डाल के ओवरनाइट छोड़ते हैं ना भाई, वो तो हो भी गया था कमरे में। अगर भूत होगा ना तो कलर चेंज हो जाएगा। हाँ। और एक्चुअल में कलर चेंज हो गया था। कल वाली वीडियो तुम्हारी वीडियो कल आएगी। गाइस मेरे को कल रिया की वीडियो का वेट रहेगा। इसने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं गूगल से यूट्यूब से देख के कि भाई भूत को कैसे पकड़ सकते हैं। बाकी गाइस जब हम जिम कॉर्बेट में थे ना भाई, रिया और अरमान यहाँ पे सोते थे, रिया बेड पे और अरमान नीचे। गाइस वो सारी चीजें रिया के साथ भी हो रही थी। गाइस रिया डर गई थी भाई बहुत ज्यादा। नींद में है गाइस ये, जगी हुई नहीं है, ढूंढ रही है भाई किसी वजह से। मैं ढूंढता हूँ। गाइस रिया के साथ भी सेम चीज हुई है भाई। गाइस मेरे को भी यही लगता है रात को, मैं भी अरमान को ऐसे उठा के देखता हूँ भाई, सेम चीज हुई है बिल्कुल ही। बाकी देख लो गाइस फैजा की वीडियो कॉल आई है भाई साहब। गाइस फोन काट दिया भाई, अभी दोबारा से कॉल आ गई। अब रेडी होगी कॉल करिए। काफी चीजें अभी भी रहेगी दुबई में घूमनी पता है। तो आ जाओ ना दोबारा। दोबारा आ जाए। कैंपिंग रहेगी, स्की दुबई रहेगी, काफी कुछ रहेगा। फैजा को इंडिया बुला ले। हाँ मुझे इंडिया को आना है। ताजमहल देखना है, मोमोज खाने हैं। इंडिया का कल्चर बहुत पसंद है। हाँ डन। और मनाली है। मनाली भी है। मनाली में स्नोमैन भी बना सकते हैं पता है। डन।
ना फाइजा फिर से दुबई बुला रही है भाई, कमेंट करके बताना भाई क्या करना चाहिए, देख जाना चाहिए ऑफिस गाइस, जल्दी से बताओ ना। बाय गाइस, अभी मैं अपनी निक्कू गैंग की कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, जब से दुबई से आया हूँ ना डेली तुम्हारी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर 3 मिलियन निक्कू भैया। कॉन्ग्रेचुलेशंस निक्कू भाई एंड निक्कू आर्मी। भाई नाइट कैंपिंग इन कॉर्बेट नेशनल पार्क। तुम्हें पता है भाई कल रात को हमारे साथ क्या हुआ, वैसे निकलना पड़ा। गाइस जैसे मामला ठंडा हो जाएगा ना वैसे दोबारा से जाएंगे भाई नाइट में कैंपिंग करने, कि भैया इंडिया में फाइजा को बुलाओ। गाइस तो भाई फाइजा की मर्जी है, अल्पेश भाई बोल रहे हैं भाई थार ले लो गैंगस्टर लगोगे। बुक भी करवा दी, थार भी आ जाएगी हमारे पास में, पूरा मॉडिफाई भी करवाएंगे थार को, सारे ब्लैक शीशे और बड़े बड़े टायर्स, खोपड़ी वोपड़ी के स्टिकर्स वगैरह सारी चीजें कर देंगे भाई। बाकी गाइस फाइजा मेरे को दुबई इसलिए बुला रही है, मैंने फाइजा को गाड़ी का बोला था डोज चैलेंजर का, जो कि मेरी ड्रीम कार है डोज चैलेंजर। ये है भाई डोज चैलेंजर, तो उसने कुछ तरीके बताया भाई, वो दुबई में है ना तो दुबई से इंपोर्ट करवानी पड़ेगी डोज चैलेंजर भाई। बाकी गाइस अभी रात के 12 बजने वाले हैं और फिलहाल मैं करूंगा एडिटिंग और फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, यही था आज की वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, तो मेरे चैनल निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।